स्वागत है। हम आपके सामने एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी को दिखा रहे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। इसको बादाम कहा जाता है। यह ईरान, मक्का, मदीना, मस्कत, सीतराज, तुक्र या कहीं कहीं ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी देखने को मिलते हैं। इसका वृक्ष ऊंचा होता है, पत्तियां चौड़ी होती है, फल गोल होते हैं, ऊपर से सख्त कवच से घिरे होते हैं। अंदर की गिरी को बादाम कहते हैं। यह दो जातियों में होती है, एक कड़वी दूसरी मीठी। एक कड़वी बादाम होती है, दूसरी मीठी। यह पौष्टिक होता है, औषध के कामों में आता है। कड़वा बादाम हानिकारक होता है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गुड़, कफ कारक, स्वादिष्ट, स्निग्ध, फीका, शुक्र कारक, बातनाशक और उष्ण वीर होता है। इसमें तेल निकलता है। तेल को सिर में लगाने से हल्कापन और ठंडाई प्रदान होता है। कान की समस्या में इसके तेल दो तीन बूंद डालना हर प्रकार के कण रोग में आराम होता है। बादाम का तेल मस्तिष्क में शीतलता लाने के लिए इसके तेल का उपयोग किया जाता है। शक्ति वृद्धि में शरीर में कमजोरी हो तो बादाम पाक का सेवन करने से लाभ मिलता है। इस बादाम पाक बनाया जाता है दोस्तों। अब बादाम पाक बनाने के लिए 750 ग्राम बादाम, 250 ग्राम खोवा शुद्ध, 1 किलो शक्कर, 750 ग्राम घी, 5 ग्राम जायफल, 5 ग्राम जावित्री, 5 ग्राम केसर, 5 ग्राम अंश लोचन, 5 ग्राम इलायची, 5 ग्राम दालचीनी, 5 ग्राम नाग केसर, 20 ग्राम विदाहीन, 5 ग्राम लौंग। इसे बारीक पीसकर बादाम और शक्कर व खोए को साथ मिलाकर शक्कर की चाशनी में बना करके डाल दे और पका ले। इससे शक्ति वृद्धि, वीर वृद्धि होती है। उदर, गैस, नेत्र विकार दूर होते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाइएगा। हम आप अगर आप एक लाइक कर देते हैं दोस्तों तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जो है अच्छी अच्छी औषधियों को खोज कर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।